सबसे पहले हमारे फौजों का मनोबल और उनका प्रोत्साहन करना मेरा धर्म बनता है। और ये लोग आज जो ये सवाल उठा रहे हैं, चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे, ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह के आए हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। ये लोग 8 महीने तक, मैं समझता हूँ कनाडा के अंदर कौन सा थीसिस लिखने गए थे, ये कह रहे थे मैं वहां पे रिसर्च करने गया हूँ कांग्रेस, मैं समझता हूँ जो रिसर्च वहां से करके आए हैं अभी किस तरह कहते ने देश के ताबूत में कील ठोकने हैं, या पंजाबी चे जिमें साडे कहते हैं ना भी साडे इन्होंने आके उत्थे थीसिस लिख के आए भी कांग्रेस की फट्टिया चे कील किवें ठोकने। चन्नी जी एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, चन्नी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर भी हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन कांग्रेस CWC, पंजाब के दो नुमाइंदे हैं वहां पे, श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्रीमान चन्नी जी, ये दोनों ने मिलके पंजाब को बदनाम करने का, पंजाब के अंदर आपसी सौहार्द्य जो भाईचारा बना हुआ है उसको दफन करने का इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ स्कीम बनाई हुई भी कांग्रेस को दफन करना है। ये लोग ऐसे बयान, बेतुके बयान दे रहे हैं, जबकि एक तरफ आप राहुल गांधी जी के बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट है, आप राहुल जी का ट्वीट देख लीजिए और चन्नी जी का ट्वीट देख लीजिए, कोई कांग्रेस पार्टी के प्रति खुंदक निकालने वाला ये जो है, ये लोग कांग्रेस की बेड़ी यही डुबोएंगे। हमारे जो देश के जवान है हमें उन पे गर्व है, जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं और हर समय हमारी रक्षा के लिए वहाँ तैनात रहते हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ, आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है आप। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी से कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता के काफिला लुटा क्यों, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सबसे पहले हमारे फौजों का मनोबल और उनका प्रोत्साहन करना मेरा धर्म बनता है, और ये लोग आज जो ये सवाल उठा रहे हैं, चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे, ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह के आए हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। ये लोग 8 महीने तक, मैं समझता हूँ कनाडा के अंदर कौन सा थीसिस लिखने गए थे, ये कह रहे थे मैं वहां पे रिसर्च करने गया हूँ कांग्रेस, मैं समझता हूँ जो रिसर्च वहां से करके आए हैं अभी किस तरह कहते ने देश के ताबूत में कील ठोकने हैं, या पंजाबी चे जिमें साडे कहते हैं ना भी साडे इन्होंने आके उत्थे थीसिस लिख के आए भी कांग्रेस की फट्टिया चे कील किवें ठोकने। चन्नी जी एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, चन्नी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर भी हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन कांग्रेस CWC, पंजाब के दो नुमाइंदे हैं वहां पे, श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्रीमान चन्नी जी, ये दोनों ने मिलके पंजाब को बदनाम करने का, पंजाब के अंदर आपसी सौहार्द्य जो भाईचारा बना हुआ है उसको दफन करने का इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ स्कीम बनाई हुई भी कांग्रेस को दफन करना है। ये लोग ऐसे बयान, बेतुके बयान दे रहे हैं, जबकि एक तरफ आप राहुल गांधी जी के बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट है, आप राहुल जी का ट्वीट देख लीजिए और चन्नी जी का ट्वीट देख लीजिए, कोई कांग्रेस पार्टी के प्रति खुंदक निकालने वाला ये जो है, ये लोग कांग्रेस की बेड़ी यही डुबोएंगे। हमारे जो देश के जवान है हमें उन पे गर्व है, जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं और हर समय हमारी रक्षा के लिए वहाँ तैनात रहते हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ, आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक
किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है। आप, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी से कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता के काफला लुटा क्यों, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।